लगातार गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे जिले सहित महानगर का भी हाल बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का किया आह्वान, कहा जन जागरूकता दस्तक अभियान एवं महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान को सफल बनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दस्तक जन जागरूकता पखवाड़ा एवं स्कूल चलो अभियान सहित विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। अंतर जनपदी चोरों के गिरोह का एसपी साउथ ने किया खुलासा, मोबाइल टावर से चोरी की 48 बैटरी, 2 असलहा, चोरी की 44 गाड़ी के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। विभिन्न संगठनों के भारत बंद का रहा आंशिक असर, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने बंदी के नाम पर अराजकता और हिंसा फैलाने पर किया निंदा प्रस्ताव पारित। एससी एसटी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने स्वयं सोमवार को किया पुनर्विचार याचिका दाखिल, फिर भी नहीं माने आंदोलनकारी। गोरखपुर का जिला प्रशासन रहा मुस्तैद, कईयों का किया चालान, मुचलका भरवा कर फिर किया रिहा। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का धरना 12वें दिन भी रहा जारी, 9 अप्रैल से 72 घंटों के लिए लगातार हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा प्रचार वाहन और 5 स्कूल चलो अभियान प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 3 अप्रैल को गोला में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को पिपराइच के कॉपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक एवं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर उन्होंने कुल 4,727.69 लाख रुपए की 13 निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास और 869.67 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कुल 5,597.63 लाख रुपए की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण और स्कूल चलो अभियान में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। सरकार ने प्रदेश के अंदर 2 बड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, एक स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष स्कूल चलो अभियान को हम लोगों ने अपने जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 से बढ़ा करके 1,54,00,000 बच्चों को हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में प्रवेश कराने में सफल हुए थे। उन सभी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे और स्वेटर हमारी सरकार ने उपलब्ध करवा करके स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने में काफ़ी एक हमें उस अवसर पर सफलता मिली थी। यह वर्ष एक बार पुनः हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रदेश के अंदर कोई भी बालक, कोई भी बालिका स्कूल जाने से वंचित न रह जाए। इसके लिए आज से 20 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलेगा। स्कूल चलो अभियान में जन आंदोलन का रूप ले सके, गांव-गांव जाकर के जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, ये सभी लोग मिलकर के स्कूल चलो अभियान में हर बालक और बालिका को स्कूल में प्रवेश कराने में अपना योगदान देंगे। आज उसका शुभारंभ प्रातः सिद्धार्थनगर में हुआ है। अभी अपराह्न में मैं यहाँ पर गोरखपुर जनपद में इस अभियान के साथ आया हूँ। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारे 38 ऐसे जनपद हैं जो दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हमारे जो 7 जनपद इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं, उन 7 जनपदों में
और 38 जनपदों में आज से हम लोग टीकाकरण का और संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष पखवाड़ा प्रारंभ कर रहे हैं। आज से लेकर के 16 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्तर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो भी वहां पर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की तैयारी, जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स होंगे, पैरामेडिकल्स के स्टाफ होंगे, पीडियाट्रिशियंस होंगे, इन सभी को प्रशिक्षण देने, आशा बहुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी प्रशिक्षण देने का एक विशेष कार्यक्रम इस अवसर पर चल करके, जिससे जब जो जुलाई में इंसेफ्लाइटिस अगर दस्तक देता है तो देने के पहले ही उसके उपचार की व्यवस्था हो सके, वैक्सीनेशन करके हम इस प्रकार की बीमारियों से रोकथाम की एक प्रभावी कार्यक्रम चला सकें, यह एक उसी का हिस्सा है। और इस अभियान को आज से हम लोगों ने अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। CSC में इसका शुभारंभ होगा और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के साथ ही हम लोग पूरे प्रदेश को, खासतौर पर जो 38 जनपद इंसेफ्लाइटिस से दिमागी बुखार से प्रभावित हैं, उन सबको दिमागी बुखार से मुक्त करने में हम लोग सफल होंगे। डे टू डे की मॉनिटरिंग होगी, मैंने स्वयं CM कार्यालय में एक डेस्क तैयार किया है और डे टू डे की रिपोर्ट जनपद से हम लोग लेकर के स्कूल चलो अभियान का भी और संचारी रोग नियंत्रण के लिए किस जनपद में क्या कार्यक्रम है कल से ये हमारा भी प्रारंभ। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने JEE-AS से बचाव के लिए संचालित दस्तक अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। वो कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के पिपराइच में दस्तक तथा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इसमें जन प्रतिनिधि भी जुड़े ताकि दिमागी बुखार से लड़ाई में उत्तर प्रदेश जीत जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान में कोई बच्चा स्कूल में नामांकन से छूटना नहीं चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि JEE और AES के विरुद्ध संचालित अभियान में ग्राम प्रधान को नेतृत्व करना चाहिए और सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारी, ANM, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, कोटेदार, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी घर घर जाकर लोगों को दिमागी बुखार के प्रति सजग रख करें और लक्षण एवं उपचार की जानकारी भी दें। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया कि इस अभियान में यूनिसेफ भी उनके साथ जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में स्कूल चलो अभियान के पहले दिन 1000 बच्चों को स्कूल में नामांकन किया गया है, यह प्रसन्नता की बात है। उन्होंने प्रत्येक बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि नए सत्र में बच्चे NCERT की पुस्तकें पढ़ेंगे जो कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने पिपराइच के सुभाष नगर मलिन बस्ती का निरीक्षण भी किया है। यहां उनकी उपस्थिति में पिछले अभियान में छूटे 4 बच्चे अंशिका, अर्पिता, पुत्र राजकुमार, श्रेया, पुत्री सोमनाथ एवं तनवीर, पुत्र ईमान हुसैन को JEE का टीका लगाया गया। यहां कुल 30 बच्चों का टीकाकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच के OPD इमरजेंसी में बने प्रतीक्षालय का फीता काटकर उद्घाटन भी किया और OPD इमरजेंसी का निरीक्षण करते हुए वहां की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के वार्डों का सघन निरीक्षण करते हुए साफ सफाई और दवाओं की उपलब्धता को देखा और चिकित्सा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के अंतर्गत टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी की और उन्होंने चिकित्सक को वहां पर रात्रि विश्राम करने का भी निर्देश दिया है। दस्तक एवं स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 विभागों को संयुक्त तत्वावधान में दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों में कुल 617 JEE और AES गांव में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा।
पीकू की संख्या 102 बढ़ाकर 202 कर दी गई है। दोनों मंडलों के 60 लाख घरों में दस्तक अभियान चलेगा। पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने भी सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, श्रीमती संगीता यादव, फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, शीतल पांडे, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आरपी सिंह, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी, आयुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी, जनप्रतिनिधिगण, आशा एएनएम और आंगनबाड़ी, नौ प्रवेशी, 1000 छात्र छात्राएं एवं भारी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अरे तुम चल हम चली सबके समझा हल जल हम चली सबके समझा अरे तुम चल हम चली सबके समझा हल जा चल हम चली सबके समझा हल जा प्रदर्शक के रूप में
हम हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कदमों के माध्यम से विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का शुभारंभ जो कि 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2018 तक, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चलो अभियान 2018 माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कदमों से आज का ये दिन। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं सब, जिसके लिए सर्वप्रथम मैं अनुरोध करना चाहूंगी कृषि उत्पादन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी से, अपने कर्कमलों से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी जी से कि अपने कर्कमलों से स्वागत सत्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करना चाहूंगी आयुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर श्री अनिल कुमार जी से कि अपने कर्कमल जी का, और जिलाधिकारी महोदय जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री के विजय पांड्या जी से अपने कर्कमलों से स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें यानी कह लीजिए कि पूरा उत्तर प्रदेश जो विकास में पीछे छूट गया था आज विकास के प्रगति पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से और गोरखपुर की जनता की तरफ से मैं महाराज जी का हृदय से हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं, और साथ में उनके साथ आए हुए अपने स्वास्थ्य मंत्री परम सम्मानी सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का इस पिपराइच की धरती पर प्रथम आगमन पर मैं उनका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लोकप्रिय नेता और हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ पर बैठे हुए विधायक गण महेंद्र पाल सिंह जी, शीतल पांडे जी, फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री संत प्रसाद जी, श्रीमती संगीता यादव जी, और उपस्थित यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, यहाँ पर आए हुए सभी हेल्थ वर्कर्स और भाइयों और बहनों, ये एक महत्वपूर्ण अभियान हम लोग में जो पखवाड़ा है विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा, इसका शुभारंभ आज से किया है। सभी 38 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जेई और एईएस का प्रकोप रहता है वहां पर हम लोग ने इस अभियान को छेड़ा है, और इसकी प्रेरणा हम लोग को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से मिली है। और इस कार्यक्रम की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि 9 विभाग, ये पहली दफे हो रहा है कि 9 विभाग जिसमें स्वास्थ्य विभाग एक नोडल विभाग है, मगर सभी अपनी अपनी कार्य योजना के साथ, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, पंचायती विभाग हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, उसी प्रकार से सभी विभाग, शहरी विकास, पशुपालन विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, ये सभी लोग मिलकर एक कार्य योजना बनाई है जिसकी प्रेरणा हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिली, जिसकी उन्होंने स्वयं 2 दफे बैठकें करी है, उसकी हम लोगों ने भी बैठकें और समीक्षा करी है। डीएम के माध्यम से 26 मार्च को ये 38 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन कार्य योजना की समीक्षा करी गई है। ये पूरा का पूरा 2 हफ्ते चलेगा कार्यक्रम, जिसमें प्रचार प्रसार की गाड़ियां जाएंगी, जिसमें हमारे यूनिसेफ के माध्यम से उनकी भी अधिकारी हम लोग के बीच में इस मंच पर बैठी हुई है, उनका भी स्वागत करता हूं। वो सब जने जा जाकर हर घर के अंदर जाएंगे, दोनों बस्ती और गोरखपुर मंडल के अंदर हर गांव में जाएंगे, और विशेष रूप से वो 617 गांव जिन्हें हम लोगों ने चिन्हित करा है पिछले साल से, वहां पर कार्य योजना बनाई है कि किस कारण जेई होता है, वो जेई की तो वैक्सीनेशन है, मगर विशेष रूप से जो एईएस है, एक्यूट इंफेक्शियस सिंड्रोम है, उसके अंदर जो देखा जाता है कि 60% स्क्रब टाइफस के कारण बच्चों को बुखार आता है। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं, ये जो बुखार है
आप सोच रहे हैं ये कृषि विभाग और पशुपालन विभाग क्या करता होगा, ये तो डॉक्टरों का खाली उपचार करने का है, क्योंकि मीडिया के भी लोग हैं यहाँ पे, मीडिया के लोग भी इस चीज को कवर 40 साल से करते आए हैं। आपका घरों के अंदर हम चूहा देखते हैं, खेतों में चूहा देखते हैं, जहां गेहूं रहता है, गोदाम रहता है, वहां भी चूहा रहता है। चूहा के अंदर एक कीड़ा आता है जिसको माइट्स कहते हैं। ये जो माइट होता है वो कहीं झाड़ियों के अंदर चला जाता है, पत्तों पे बैठ जाता है, वो खेतों के अंदर चला जाता है, अनेक जहां गंदगी होती है वहां चला जाता है, सुअर के ऊपर बैठ के चला जाता है, गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर भी बैठ के चला जाता है। घरों के अंदर कहीं जो पशुपालन करते हैं उन लोगों को ध्यान ना हो, सफाई ना रखे, तो ये जो माइट है ये बच्चों को काट लेता है और दो हफ्ते के अंदर वो बुखार, बीमारी बुखार बन जाता है, जिसको स्क्रब टाइफस कहते हैं। इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसका खाली रोकथाम ही है, प्रिवेंशन ही है, इसका इलाज है। इसलिए ये 9 विभाग एक साथ मिलकर इसका, इसको रोकथाम में हम लोग लगे हुए हैं। और कहीं बुखार होता है तो उसके लिए भी जो ढांचा हम लोग को मिला था, विरासत में जो मिला था, समाजवादी पार्टी से जो मिला था, वहां पे मेडिकल कॉलेजेस एक विषय, एक अलग बात है, मगर नीचे गांव के अंदर गरीब के बच्चे को, या विशेष रूप से कहूं जो दलित और मुस्लिम समाज से जो आते हैं बच्चे, आजकल दलित और मुस्लिम समाज का एक गठजोड़ करने में लगी हुई है सपा और बसपा की सरकार, लेकिन उनके बच्चों को बुखार हो जाए उसके लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं। ये पहली दफे कोई सोच रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी ही सोच रहे हैं, किसी और ने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उनके लिए 102 आपने पीडियाट्रिक आईसीयू बनाए थे, पीकू जिसको कहते हैं, जहां वेंटिलेटर लगता है। जब हमारी सरकार आई थी मैं खुद स्वयं यहां पे गोरखपुर के अंदर आया था, बस्ती गया था, सिद्धार्थ नगर गया था, अनेक जिलों में गया था, ये वेंटिलेटर चलते नहीं थे। आज वो 102 वेंटिलेटर ही नहीं चल रहे हैं, हमने 100 वेंटिलेटर उसमें और जोड़े हैं, और आज 202 वेंटिलेटर के पीकूज हमने इन 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या गोरखपुर या बस्ती मंडल के अंदर, हमने उसका नए तरीके से उसको हम लोग ने निर्माण किया है। 30,000 यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स बैठी हुई है, आशा आंगनवाड़ी की वर्कर्स बैठी हुई है, हमने 30,000 एक साल के अंदर आंगनवाड़ी और आशा और अनेक हेल्थ वर्कर्स को का प्रशिक्षण किया है, ये जेई और एईएस की लड़ाई लड़ने के लिए। हमने अपनी कमर कसी है क्योंकि हम मानते हैं कि जेई और एईएस हारेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा, ये हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। जब आपके घर पे दस्तक देने आएंगे तो उस बैग को लेकर कोने में मत रख दीजिएगा। ये जो बच्चे अभी प्रचार प्रसार कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों को ये कीड़े ना काटे, इसके लिए खाली टीकाकरण नहीं है, साफ स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा मिशन है। बच्चे जमीन पे जो सोते हैं वहां से भी कीड़े आते हैं, बच्चे झाड़ियों में खेलते हैं तो वहां से भी कीड़े आते हैं। ये सब चीज आपको दस्तक के माध्यम से आपके घर जाकर, आपका दरवाजा खटखटाकर, पूरे ये जो 617 गांव है और ये 7 मंडल है, 55 से 60 लाख घरों के अंदर हम दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। ये अभियान हमने छेड़ा है आपको भी प्रशिक्षित करने के लिए, क्योंकि आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये संवेदनशील सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, जिन्होंने ये लड़ाई छेड़ी है, और मुख्यमंत्री बन के नहीं छेड़ी है, जब ये सांसद थे वहां से उन्होंने छेड़ी है, और आज वो लड़ाई हम लोग जीतने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबसे इस अभियान में जुड़ने की अपील करता हूं, और आप सभी का आशीर्वाद भी मांगता हूं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहूंगा, जेई और एईएस हारेगा, उत्तर प्रदेश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। 13 से धन्यवाद होने
और उसकी लागत 4,727.96 लाख रुपए और 3 परियोजना का लोकार्पण जिसकी लागत 8,16.67 लाख रुपए। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे इन परियोजनाओं को समाज को समर्पित करते हुए और समाज को एक नई दिशा देते हुए बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। और कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हमारे वो दो अभियान दस्तक अभियान और सर्व शिक्षा अभियान जिसके अंतर्गत हमारी कुछ सभी लाभार्थियों को समाज के माध्यम से सम्मानित करने के लिए जिसमें कि हमारे सभी प्रचार प्रसार की सामग्री उसके अंदर है। बलजोर दाता श्री राम रक्षा श्री आशुतोष कुमार सिंह सहायक अध्यापक पिपराइज श्रीमती रीता गुप्ता ENM पिपराइज श्रीमती कमल थापा एवं जोरदार तालियां हमारे सभी श्रीमती कालंदी महोदय। और दूसरे अभियान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे वो छात्र उनको 20 छात्रों को अधिकार सर्व शिक्षा अभियान खूब पढ़ो आगे बढ़ो गरिमा गुंजा पार्वती शिखा नन्हे मुन्ने बच्चे इन सभी को एक बार जोरदार तालियां। तनु मोहिनी राधा साक्षी नैना रितिका छोटे छोटे नन्हे मोटे बच्चे हैं कक्षा 1 के लिए सभी विद्यार्थी हैं बहुत छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान खूब पढ़ो आगे बढ़ो को अपने माध्यम से उस दीप को जलाने के लिए बोलो क्या कर रहे हैं हमारे नन्हे मोटे छात्रों ने गरिमा गुंजा पार्वती शिखा तनु मोहिनी राधा राख साक्षी नैना नैना रितिका बोलो बोलो सही अमन यादव सही करा रहा है उसी ने करा रहा सिद्धार्थ कुमार शिवम कुमार नगर विधायक जी करण कुमार समोस विष्णु कुमार सलमान युवराज कुमार सिद्धार्थ कुमार आदित्य कुमार आर्यन कुमार एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी नौजवानों के लिए भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं के रूप में ये हम सभी को समाज में ज्ञान की दीपक को प्रज्वलित करेंगे। बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं दो अप्रैल से हमारे जो अभियान दस्तक अभियान और सर्व शिक्षा अभियान खूब पढ़ो आगे बढ़ो और जिसको कि ये समूह ग्रुप फोटोग्राफ हमारे सभी छायाकार बंधुओं के इस यादगार पल को कैमरे में कैद करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयां बस जोरदार तालियां आज के इस कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक क्षण ऐतिहासिक पल के साथ सोनी नक्शों में ऐतिहासिक पृष्ठ पर हमारा आज का ये दिन। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधु भाइयों बहनों इस स्कूल चलो अभियान में आपने देखा होगा कि अभी 20 बच्चों को जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत उन्हें बैग बुक्स शूज सॉक्स ये सब उपलब्ध कराए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गोरखपुर जनपद में 1000 से अधिक बच्चों ने बेसिक शिक्षा में पहली क्लास में अपना नाम नामांकन के लिए दर्ज कराया है। मैं इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को और इस अभियान से जुड़े हुए सभी लोगों को जनप्रतिनिधियों को सबको बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं क्योंकि अगर विकास की परिकल्पना को साकार करना है और विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उपलब्ध कराना है
तो हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। किसी भी शिक्षित समाज से ही आप विकास की कामना कर सकते हैं, विकास की परिकल्पना को साकार करने की बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस देश से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष स्कूल चलो अभियान में हम लोगों ने जुलाई में अभियान चलाया था और 1,36,00,000 से संख्या को बढ़ा करके 1,54,00,000 तक पहुंचाया था। आज हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 1,54,00,000 बच्चे, इससे अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और इन सभी बच्चों को हमारी सरकार 2 अच्छी यूनिफॉर्म दे रही है, उन्हें जूते मोजे उपलब्ध करा रही है, उन्हें अच्छा बैग दे रही है, उन्हें अच्छी पुस्तकें उपलब्ध करा रही है और स्वेटर भी उपलब्ध कराने का कार्य पिछले वर्ष हमारी सरकार ने किया था। हम लोगों का प्रयास है कि इन सभी बच्चों को इस नए सत्र में भी संख्या चाहे जितनी होगी लेकिन हम लोग जूते मोजे यूनिफॉर्म उन्हें नई बुक्स पुस्तकें बैग ये उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। और आप सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस सत्र में हम बेसिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू कर दिए हैं और नए पाठ्यक्रम को इस अप्रैल माह के साथ सभी पुस्तकों के साथ वे बच्चों के साथ एनसीईआरटी की आधुनिक पुस्तकें पहुंचेंगी और अब गरीब का बच्चा भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही शिक्षा अर्जित कर पाएगा, यह मैं आप सबको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आपने देखा होगा इन सभी बच्चों को जो पहली बार स्कूल में जा रहे हैं कितना भोलापन उनमें उनके चेहरे पर था और वह भोलापन इस बात को लेकर के था कि पहली बार स्कूल जा रहे हैं तो जो स्कूल का भय बच्चों में होता है वह भय उनमें नहीं था, क्योंकि जो आत्मीयता उन्हें समाज के द्वारा मिल रही है, स्कूल के द्वारा मिल रही है, अपने गुरुजनों के द्वारा मिल रही है और समाज जिस तरीके से स्वागत के लिए उनके लिए यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यह एक नया उत्सुकता उनको भय से मुक्त करते हुए स्कूल को जाने में आनंद का भाव पैदा उनके अंदर पैदा करने में सफल हुआ है। और आज जब उनको मैंने देखा उनकी जेब में बिस्कुट भी है, उनकी एक नई यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी है, एक यूनिफॉर्म उनके बैग में है, कुछ पुस्तकें एनसीईआरटी की उनको उपलब्ध करा दी गई है, कुछ पुस्तकें हम उनको इस महीने के अंत तक सभी बच्चों को हम ये उपलब्ध कराने में सफल हो जाएंगे, यह एक बड़ा कार्य होगा। और मैं चाहूंगा हम सबका संकल्प होना चाहिए कोई भी बालक या बालिका ऐसा ना हो जो स्कूल जाने से वंचित रह जा रही हो, हम प्रत्येक को स्कूल भेजें। आज मैं भी प्रातःकालीन सत्र में सिद्धार्थ नगर में था और स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को मैंने वहां देखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को कैसे हम जन सहयोग से आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे वहां पर अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं आदर्श विद्यालय के रूप में। और मैं आह्वान करूंगा पिछले वर्ष हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक विद्यालय गोद लिया था, समाज के गणमान्य लोगों ने एक एक विद्यालय गोद लिया था और मैं फिर इस बार आह्वान करूंगा कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम एक एक विद्यालय अपने गांव का गोद लेकर के आदर्श विद्यालय के रूप में उसको स्थापित करने और इन बच्चों को अच्छी और आधुनिक शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा दिलाने में हम सभी लोग सफल हो, इस अभियान को सफल बनाए, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। आज कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है पूरे प्रदेश में, कल से गांव गांव नगर नगर ब्लॉक स्तर पर जनपद स्तर पर प्रभात फेरी निकले, स्कूल जाने के कार्यक्रम चले और कोई भी बालक और बालिका ऐसी न हो जो स्कूल जाने से वंचित रह जाए, इसको हमें एक संकल्प के रूप में लेना है और इसलिए उत्तर प्रदेश को संपूर्ण साक्षर बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को शिक्षित बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को, जैसे आपने आज पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश के अंदर एक वर्ष के अंदर ही हमारी सरकार जो पहले 23वें 24वें नंबर पर थी आज नंबर 1 पर आई है, ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में हमारी सरकार नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आए, इस संकल्प के साथ इस अभियान के साथ हम जुड़े हैं। इसके लिए मैं आप सभी का सहयोग, माननीय जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का,
जो भी हैं उन सभी लोगों का, समाज के गणमान्य नागरिकों का, स्वयंसेवी संगठनों का, इन सब का सहयोग चाहूंगा। ये सभी लोग इस पुण्य के कार्य में भागीदार बनकर के शिक्षा के इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी अपना योगदान दें, इसके लिए आप सबका सहयोग की अपेक्षा में रखता हूं। दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है दस्तक अभियान, संचारी रोगों के पूर्ण नियंत्रण के लिए, इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ यह एक अभियान है। आप सब जानते हैं दिमागी बुखार से सर्वाधिक मौतें पूरे देश के अंदर कहीं होती हैं तो वह होती है गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और जो जनपद इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं उनमें गोरखपुर और बस्ती मंडल के जनपद सर्वाधिक प्रभावित हैं। 38 जनपद हमारे प्रदेश के इस बीमारी से प्रभावित हैं। असमय हजारों बच्चे इस बीमारी से कालक्रमित होते हैं, असमय मौत के शिकार हो जाते हैं। क्या उन बच्चों को जीने का अधिकार नहीं? मुझे लगता है कि जो भी इस धरती पर आ चुका है वह कौन है, क्या है, कहां से आया है महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि वह हमारी एक विरासत का हिस्सा है और उसको जीवित रहने का अधिकार है, और उसके जीवित रहने में जो भी सहयोग हो सकता है पूरे समाज को सरकार के साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इस दिशा दस्तक अभियान में संचारी रोगों के पूर्ण नियंत्रण और उन्मूलन की दिशा में एक प्रभावी कदम बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आप सबका सहयोग चाहती है। इसमें तमाम प्रकार के स्वयंसेवी संगठन हैं, प्रशासन है, शासन है, जनप्रतिनिधि हैं, आंगनबाड़ी आशा बोलिए हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मी हैं, इन सभी को सामूहिक प्रयास के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसलिए स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने नोडल विभाग इसके लिए चुना। इसके अंतर्गत हम लोगों ने नगर विकास को, ग्राम्य विकास को, पंचायती राज को, बाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, इन सभी को इनके साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने तय किया है कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत होनी चाहिए। आज से इस दस्तक अभियान को हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, सीएससी में जाए पहले बलिन बस्ती में स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करेंगे, इसके उपरांत हम लोग सीएससी में जाकर के टीकाकरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, और टीकाकरण के कार्यक्रम के साथ आज के बाद यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले 15 दिनों तक लगातार चलेगा। गोरखपुर के अंदर जो पिछली बार 86,000 बच्चे वैक्सीन लेने से वंचित हो गए थे, उन सभी बच्चों को भी हम वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, यानी टीकाकरण इंसेफ्लाइटिस का हम कराएंगे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 92,00,000 से अधिक बच्चों का टीकाकरण कराया था और उसका परिणाम भी सामने आया था। इंसेफ्लाइटिस में जापानी इंसेफ्लाइटिस की जो दर, मृत्यु दर 25% थी, आज वो घटते घटते 11% तक आई है। 11% से भी नीचे हम उसको लेकर के आए और उसको शून्य तक पहुंचा करके हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को इंसेफ्लाइटिस से पूर्ण मुक्त कर सके, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के आज हम सब आपके पास आए हैं। इसके लिए आप सबको इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस बीमारी का उपचार सरकार उसके लिए व्यवस्था कर रही है। हम लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाए हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई है, वहां पे वार्मर्स बनाए हैं जो नवजात शिशु हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। साथ साथ वहां पर 500 बेडेड एक नए बाल चिकित्सा संस्थान की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। जिला चिकित्सालयों में जहां पर अभी केवल 10 ही हॉस्पिटल थे, जिनमें 100-100 बेड के 10-10 बेड के पीडियाट्रिक्स का आईसीयू था, हम लोगों का प्रयास है कि इस संख्या को बढ़ाकर के 20 जनपदों में हम करें, और इस संख्या को बढ़ाकर के 5-5 संख्या और बढ़ाकर के हम इस संख्या को बृहद स्तर पर लेकर के सीएससी स्तर पर भी अगर पीको की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है हम उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। ट्रेनिंग की पीडियाट्रिशियन पर्याप्त मात्रा में, बाल रोग विशेषज्ञ और जो हमारे एएनएम है, आंगनबाड़ी या आशा बोलिए हैं, इनके प्रशिक्षण के साथ साथ
जो पैरामेडिकल का स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग का है, इन सब के प्रशिक्षण का भी विशेष कार्यक्रम चल रहा है कि कहीं भी अगर इंसेफ्लाइटिस का कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसको स्थानीय सीएससी में उपचार की व्यवस्था मिल सके, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रॉपर उपचार की व्यवस्था मिल सके, उसके लिए बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में उसको भटकना ना पड़े, निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उन सबको हो सके, इसके लिए जहां एक कार्यक्रम युद्ध स्तर पर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ समाज की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग को हम लोगों ने इसका नोडल विभाग बनाया है और इंसेफ्लाइटिस से के दर्द को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। मैंने आपके साथ सड़कों पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने बियाड़ी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को बहाल करने और उसमें स्वास्थ्य की सेवाओं की बेहतरी के लिए हम लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, संसद में लड़ाई लड़ी है और मुझे लगता है आज लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं, आज तो सरकार स्वयं आपके द्वार पर आकर के आपका आह्वान करने के लिए आई है कि संपूर्ण लड़ाई में सरकार आपके साथ आज खड़ी है। लेकिन उसमें हम सबकी भी कुछ जिम्मेदारी है और हम सबकी जो जिम्मेदारी है, आज यूनिसेफ हमारे साथ आया है संचारी रोग के नियंत्रण करने के लिए, इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण और इसके उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए यूनिसेफ हमारे साथ में है, भारत सरकार हमारे साथ में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ में है, प्रदेश सरकार आपके साथ में है। एक साथ जब सभी लोग मिलकर के चाहते हैं कि इसका उन्मूलन होना चाहिए, उपचार की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर आपकी भी इसमें सहभागिता आवश्यक है। मैंने जो इसमें कहा कि स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके ग्राम्य विकास को, नगर विकास को, पंचायती राज को, महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक शिक्षा विभाग को, इन सभी को एक साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है उसके पीछे का उद्देश्य ही यही है कि आम जन की सहभागिता कैसी हो। इसके लिए गांव गांव में सफाई का अभियान चले। याद रखना, जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए हम लोग टीकाकरण कर सकते हैं, जितना टीकाकरण होगा हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे, उपचार में जितना पैसा खर्च होगा, जितनी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार उसमें कोई संकोच नहीं करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। लेकिन सफाई का अभियान ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में टीम बने, सफाई कर्मी, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम सभा से जुड़े हुए जितने भी अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, इन सब की सहभागिता उसके साथ जुड़े। और सबसे पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम हर गांव को स्वस्थ रखेंगे, इसके लिए हमारा गांव स्वच्छ रहेगा। यानी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कहां से प्रारंभ होगा, इस परिकल्पना को हम साकार कर सकते हैं अपने गांव, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रख करके। स्वच्छता अभियान, कहीं कोई कूड़ा ना हो, नालियों में सिल्ट ना हो, नालियों में प्लास्टिक ना हो, कोई गंदगी ना हो, नालियों का पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे, इसके लिए स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के बाद शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, हम लोगों ने ग्राम प्रधानों को अधिकार दिया है कि अगर हैंडपंप खराब हो गया है, उस हैंडपंप की मरम्मत करनी है तो मरम्मत का भी पैसा है और ग्राम पंचायत के पास मरम्मत के अलावा नया हैंडपंप लगाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हम लोगों ने व्यवस्था की है पाइप पेयजल योजना से, जहां जहां पर ओवरहेड टैंक बने हैं प्रशासन को पहले ही हिदायत दी गई है, ग्राम्य विकास को, नगर विकास को पहले ही कहा गया है कि वह सफेद हाथी बनकर के लिए रह जाए, पाइप पेयजल योजना से भी घर घर पेयजल की आपूर्ति, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। अगर शुद्ध पेयजल हो और स्वच्छता के इस अभियान को हम अब पूरी एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा दें, मैं आपसे कह सकता हूं जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए टीकाकरण प्रभावी है, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए स्वच्छता अभियान और शुद्ध पेयजल उतना ही आवश्यक है। अगर ये दोनों हम कर लेंगे तो इंसेफ्लाइटिस का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आम जन की सहभागिता, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, लोगों को बताना, आम जन की सहभागिता इसमें हो, एक आंदोलन का रूप हो,
जगह जगह प्रभात फेरी निकले, स्वच्छता अभियान के साथ साथ टीकाकरण के अभियान को आगे बढ़ाने, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को आगे बढ़ाने, कहीं गंदगी है तो उस गंदगी के खिलाफ अभियान बढ़ाने चलाने की आवश्यकता है। और इसी अभियान के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर है, सभी संबंधित विभाग यहाँ पर है, वे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हम लोग स्वयं जनपद सौ जाएंगे, हमारे प्रभारी मंत्री जाएंगे, हमारे सांसद जाएंगे, हमारे विधायक जाएंगे, ये सभी लोग जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। लेकिन इसमें जन सहभागिता भी उतनी ही आवश्यकता होगी और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। खासतौर पर मुझे लगता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अभी मुझे मिला था लखनऊ में, और मैं भी देख रहा था कि वे यहां पर जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को देख रहे होंगे, कृषि उत्पादन आयुक्त को उन्होंने देखा होगा क्योंकि उनकी कमेटी के अध्यक्ष वही हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि इनकी रिपोर्ट जल्दी उपलब्ध करवाएं, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए या आशा बहुओं के लिए सरकार के स्तर पर किसी ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। और इस योजना के लिए लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि रोज रोज धरना प्रदर्शन बंद करें, थोड़ा कार्य भी करें, अच्छा कार्य करें। ये अभियान आप ही लोगों का अभियान है और आप लोगों के इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी सरकार लगी है। इसलिए गांव गांव में जाइए, दोनों प्रकार के अभियान में शामिल होइए, कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए और कोई बच्चा वैक्सीन यानी टीकाकरण से भी वंचित न रह जाए। एक दूसरा स्वच्छता अभियान में भी हम लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। एक अभियान के साथ इन सभी कार्यक्रमों में हम सहभागी बन सके, इस दृष्टि से आज के इस अभियान को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से और एक योजनाबद्ध ढंग से संपन्न करने के लिए मैं एक बार पुनः जिला प्रशासन को, सभी संबंधित विभागों को, स्वास्थ्य विभाग है या जितने भी संबंधित विभाग हैं, इन सभी ने मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और हम लोग एक बार पुनः 16 अप्रैल के बाद दस्तक अभियान की सफलता के आंकड़ों को चेक करेंगे। प्रतिदिन मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कंट्रोल रूम से स्थापित कर दिया है, हर जनपद की रिपोर्ट लेके लेंगे कि दस्तक योजना में, स्वच्छता अभियान में, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में, टीकाकरण में कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया गया है, और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा में भी कि कितने बच्चे किस जनपद में स्कूल चलो अभियान का हिस्सा बने हैं और कितने बच्चों को यूनिफॉर्म दी गई है, कितने बच्चों को बैग उपलब्ध कराया गया है, कितने को बैग और बुक्स उपलब्ध कराए गए हैं, कितने को शूज और सॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, ये सभी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हम लोग स्वयं भी करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि भी अपने विधानसभा में न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर, विकास खंड स्तर पर इस अभियान में भागीदार बने। इस विश्वास के साथ आप सभी को, काफी देर हो गई क्योंकि मैं सुबह सिद्धार्थनगर जनपद में स्कूल चलो अभियान का हिस्सा बना था, वहां पर अनेक कार्यक्रम रखे गए थे, इसलिए आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के स्कूल चलो अभियान और दस्तक अभियान को सफल बनाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बेलीपार पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल टावर से चोरी की गई हाई क्वालिटी की 48 बैटरियां और 10 बैटरी के प्लास्टिक कवर, 2 303 बोर का एक और 12 बोर का एक तमंचा, 5 कारतूस के साथ चोरी करने में उपकरण तथा चोरी की 44 गाड़ी भी बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों की शिनाख्त संत कबीर नगर जिले के थाना घनकटा निगुई निवासी अक्षय नायक, प्रदीप कुमार, मोनू नायक, विकेश कुमार के रूप में की गई है, जबकि 2 बदमाश शत्रुघ्न नायक और अली हुसैन फरार हैं। पुलिस लाइन में हुए इस घटना के संदर्भ में खुलासा करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया, मेरी नहीं सर, मेरी नहीं। क्या बात करते हैं सर, यहाँ साला गाड़ी, एक तो गाड़ी खरीद लो नाम फट जाता दम लेके रंग रंग जाता है।
छोटी तो है छोटी। हेलो चलिए उपाध्याय जी तमंचा दो हजार एक 303 और एक सेकंड इनको ले लेंगे ये बैटरी चोरों का गिरोह है जो टावर्स पे जाकर के बैटरी चुराते थे और क्वालिस में लाद करके ये धनगटा में बेचते थे जहां से वो व्यापारी कानपुर के किसी व्यापारी को बेचता था। चेकिंग के दौरान हमारे एसओ और हमारी पूरी टीम जब चेकिंग कर रही थी सूचना मिली किस प्रकार का कार्य करते हैं और करने की फिर तैयारी करके जा रहे हैं तो जंगल बिटहन पे इनको रोकने की कोशिश की जहाँ इन लोगों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने भी इनको किसी तरीके से फायर से बचते हुए फायरिंग की और उनको गिरफ्तार करा। इनकी गिरफ्तारी से बैटरीज बरामद हुई हैं। बैटरी के अतिरिक्त इसमें तमंचे मिले हैं और 5 कारतूस मिली हैं। 2 लोग मौके का फ़ायदा उठा के भाग गए हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। टीमें गठित करके भेजी जाएंगी और आगे भी इस पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। कब से संलिग्ध थे इस धंधे में? ये इनका तो कहना है कि हम लोग कर रहे हैं लगभग 6 माह से, लेकिन जो इनका मेन है जिसका भी नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं, हम काम कर रहे हैं वो बाकी चीज़ें बताएगा। ये अंतर जनपदीय गिरोह है, इन्होंने कई स्थानों पर चोरियां की हैं, संत कबीर नगर में की हैं और हमारे यहाँ भी की हैं। इसका खुलासा हम बहुत जल्दी करेंगे। बैटरी के अलावा अब इनके अनुसार हम इनका रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, रिकॉर्ड मिलने के बाद ही हम उसको बैटरी के अलावा और भी किसी चोरी में संलग्न निश्चित रूप से अन्य चोरियों में भी हैं जो हम इस पर हम काम कर रहे हैं। बैटरीज प्राप्त हो चुकी हैं, कुछ स्क्रैप भी मिले हैं दुकान पर, और ये बताना इनका ये है कि हमने ले जाकर कानपुर बेचा, हमारी टीम वहाँ भी जाएगी और कार्रवाई करेगी। चलिए ब्रेक में जाने से पहले जल्दी जल्दी दोबारा नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का किया आह्वान, कहा जन जागरूकता दस्तक अभियान एवं महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान को सफल बनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दस्तक जन जागरूकता पखवाड़ा एवं स्कूल चलो अभियान सहित विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। अंतर जनपदी चोरों के गिरोह का एसपी साउथ ने किया खुलासा, मोबाइल टावर से चोरी की 48 बैटरी, 2 असलहा, चोरी की 44 गाड़ी के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। विभिन्न संगठनों के भारत बंद का रहा आंशिक असर, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने बंदी के नाम पर अराजकता और हिंसा फैलाने पर किया निंदा प्रस्ताव पारित। एससी एसटी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने स्वयं सोमवार को किया पुनर्विचार याचिका दाखिल, फिर भी नहीं माने आंदोलनकारी, गोरखपुर का जिला प्रशासन रहा मुस्तैद, कईयों का किया चालान, मुचलका भरवा कर फिर किया रिहा। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का धरना 12वें दिन भी रहा जारी, 9 अप्रैल से 72 घंटों के लिए लगातार हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा प्रचार वाहन और 5 स्कूल चलो अभियान प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, और 3 अप्रैल को गोला में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर,
ऐश्वर्या के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी एक्ट में कुछ गाइडलाइन जारी करने के विरोध में आज विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर अंबेडकरवादी छात्र सभा, पूर्वांचल सेना सहित अन्य दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में दुकानों को बंद करवाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी हाथों में लाठी डंडे लेकर चल रहे थे। कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई। वैसे सोमवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, एसपी क्राइम आलोक वर्मा भी मौके पर डटे रहे। वहीं जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने भारत बंद के नाम पर हो रही अराजकता का विरोध और इसकी घोर निंदा भी की। अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा है कि जब तक जांच ना हो जाए तब तक किसी व्यक्ति पर एससी एसटी एक्ट लगाकर उसे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध देश भर में कई दलित संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आयोजन करने का आह्वान किया था, जिसके अंतर्गत उसका असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। वैसे हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार ने सोमवार को ही पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी, फिर भी कई दलित संगठनों को यह बात रास नहीं आई और वह भारत बंद कराने के मूड में आ गए। दलितों के इस संघर्ष का महानगर गोरखपुर में भी असर दिखाई दिया। कई दलित संगठनों ने संयुक्त होकर दुकानों को जबरन बंद कराने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर 151 के तहत चालान कर जमानत पर छोड़ दिया।
हंगामा कर रहे दलित संगठन के कार्यकर्ता अपने भारत बंद को सफल कराने की पूरी जुगत में लगे हुए थे, लेकिन प्रशासन के आगे उनकी एक ना चली। वैसे इस मामले में प्रशासन ने इन सभी संगठनों को नगर निगम के पार्क में धरने के लिए आयोजन संबंधी अपनी स्वीकृति प्रदान भी की थी, लेकिन ये संगठन अपने दायरों को लांघ कर सड़कों पर उतरे, जिसका खामियाजा उन्हें अंततः भुगतना ही पड़ा। आइए आइए,
हमारा संविधान है, दूसरे हम संविधान को सम्मान कर रहे हैं। कुछ लोग आके आ रहे हैं, बातचीत के दौरान बंद का आह्वान करने वाले दलित संगठन के एक सदस्य ने कहा कि हमारे संगठन में कुछ लोग जबरन घुसकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, मामला विरोध प्रदर्शन जो SC ST एक्ट को निष्प्रभावी किया गया है, उसी के विरोध में हम लोगों ने भारत बंद का जो समर्थन किया, क्या नाम है, आह्वान किया गया है SC ST क्या नाम है संगठनों द्वारा, हम उसका समर्थन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों से आग्रह कर बंदी कराने का आग्रह करके लोगों से आह्वान कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं लोग। लेकिन कुछ अराजक तत्व हम लोग के कार्यक्रम में उपद्रव मचाने का काम किए हैं, उसको प्रशासन कर रही है, आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। मोहतीपुर स्थित मुख्य अभियंता के कार्यालय पर धरना दे रहे संघर्ष समिति के सदस्यों ने 9 अप्रैल से 72 घंटों का पूर्ण अवधिक हड़ताल करने का आह्वान किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक तो कोई फॉल्ट को ठीक कर भी दिया जाता था, लेकिन 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक अगर कहीं भी विद्युत फॉल्ट होती है तो उसे ठीक नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सरकार को मुनाफे का राजस्व उपलब्ध करा रहे हैं, उसी जिलों का सरकार के द्वारा निजीकरण भी किया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों और जनता के लिए हित में नहीं है। कर्मचारियों का कहना था कि जन भावनाओं को देखते हुए सरकार निजीकरण के फैसले को वापस ले। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर संघ के इंजीनियर अभिषेक यादव और अजय कुमार ने बताया, प्रदर्शन हमारी मांग ये है कि हम लोग निजीकरण जो सरकार के द्वारा अभी फैसला लिया गया है कि 5 शहरों का निजीकरण किया जाएगा, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से लगातार कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो ये हमारा घर है, जो हमारा विभाग है, ये हमारे लिए घर है, हम गर्मी बरसात हर समय इसके लिए 24 घंटे तत्परता से काम करते हैं, तो इसको निजी हाथों में ना दिया जाए और इस पे यही हमारी लड़ाई है कि ये हम इसको निजी हाथों में ना देकर के अगर सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए
जैसा कि पहले भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार है, तो हम चाहते हैं कि ये सार्वजनिक जैसे पहले था वैसे रहे। निजीकरण से क्या असर पड़ गया जनता पे और कर्मचारियों पे? देखिए, निजीकरण से सबसे बड़ा असर तो जनता पड़ेगा। इस जनता को इतनी ज़्यादा समस्या होने वाली है, ये बिजली का बिल, जैसा कि आप जानते हैं कल के डेट में बिजली की दर बढ़ गई है। अब ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये सोची समझी साजिश है, और ये की जा रही है कि कल को जब 2 महीने के बाद टेंडर होगा और कोई कंपनी आएगी, तो जब वो कंपनी बढ़े हुए दर से बिजली को वसूलेगी, तो हम जब हमारी यहाँ की ग्रामीण जनता, शहरी जनता, जितनी भी प्रदेश की जनता है, जब वो परेशान होगी, तो कंपनी भी यही कहेगी कि नहीं, ये बिलें तो अप्रैल से बढ़ी हुई हैं, तो आपने अपने घाटे को पहले आप सरकार के फायदे के लिए 24 घंटे बिजली देते हैं, और इस पर तब ये कहते हैं कि नहीं, ये सरकार, हमारी सरकार ने बिजली बढ़ा, सरकार ने बिजली व्यवस्था ये कर दी, 24 घंटे कर दी, 18 घंटे कर दी। जब सरकार बिजली व्यवस्था बढ़ा रही है, तो घाटे की बात आती है, तो बिजली डिपार्टमेंट क्यों जिम्मेदार? इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हम अपने ईमानदारी से 24 घंटे अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो इसका नतीजा और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम हमें इस निजीकरण के उसमें न मिले। कब तक चलेगा आंदोलन आप? हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा, जब तक ये सरकार द्वारा निजीकरण की ये जो मांग है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। फिलहाल 9 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग 72 घंटे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे रहेंगे। उस दौरान हम कोई भी काम, अभी हम लोग उपभोक्ताओं की समस्या और सुविधा के लिए हम अभी काम कर रहे हैं, बिजली पूर्ण रूप से हम चला रहे हैं, और उस 9 तारीख से हम बिजली चलाना बंद कर देंगे। 9 तारीख के बाद से हम बिजली चलेगी, उसमें यदि कोई बिजली के दौरान अगर कोई फॉल्ट आता है, तो वो कुछ भी अटेंड नहीं किया जाएगा। जो बिजली 9 तारीख से चलेगी, वहाँ कोई हमारा वो नहीं रहेगा, तब से हम मेंटेनेंस भी देखना बंद कर देंगे। प्रदेश सरकार द्वारा, मतलब प्रदेश के 5 शहरों का जो अच्छे खासे फायदे में चल रहे हैं, जहाँ लाइन आनियाँ भी कम हैं, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग धरने पर लगातार 19 तारीख से ही हैं। तभी से हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही है, लेकिन हम भी अड़ी गए कि जब तक हमारे विभाग का निजीकरण नहीं रोका जाएगा, तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहें। क्या रणनीति आगे क्या है? आगे की रणनीति यह है कि 9 तारीख से हम पूरी तरह से 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। 72 घंटे में जनता को असुविधा हो सकती है, अभी तक तो हम जनता की असुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। हम लाइन बंद नहीं कर रहे हैं, काउंटर खुले हैं, लोग बिल जमा कर रहे हैं, सिर्फ हम अपना मतलब ध्यानाकर्षण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन 9 तारीख से हमारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, और संपूर्ण कार्य बहिष्कार में 72 घंटे हम कोई काम नहीं करेंगे। आंदोलन में अगर बिजली खराब हो गई तो बिजली भी नहीं बनेगी, जनता को भी असुविधा हो सकती है, हो सकता है सरकारी कार्यालय ऑफिस की भी लाइन खराब हो तो न बने, तो सरकार को भी असुविधा होगी। सोमवार को पिपराइज के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा प्रचार वाहन और 5 स्कूल चलो अभियान के प्रचार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, अपने गांव और शहर को हमें स्वच्छ रखना ही होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेई के लिए टीकाकरण जरूरी है, वहीं एईएस के लिए स्वच्छता भी जरूरी है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के रूप में, हमारी सभी बहनों का। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी अपने सभी कलाकारों का, सहयोगियों का, और सभी आप लोग आगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कार्यकर्ताओं से हरी झंडी दिखाकर चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, हमारे दर्शकों के लिए एक सूचना है। जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 3 अप्रैल को गोला में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन द्वारा की जाएगी। ये जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि इस जिला तहसील समाधान दिवस में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। तो चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का किया आवाहन, कहा जन जागरूकता दस्तक अभियान एवं महीने भर चलने वाले स्कूल चलो अभियान को सफल बनाएं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दस्तक जन जागरूकता पखवाड़ा एवं स्कूल चलो अभियान सहित विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। अंतर जनपदी चोरों के गिरोह का एसपी साउथ ने किया खुलासा, मोबाइल टावर से चोरी की 48 बैटरी, दो असलहा, चोरी की 44 गाड़ी के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। विभिन्न संगठनों के भारत बंद का रहा आंशिक असर, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने बंदी के नाम पर अराजकता और हिंसा फैलाने पर किया निंदा प्रस्ताव पारित। एससी एसटी एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार ने स्वयं सोमवार को किया पुनर्विचार याचिका दाखिल, फिर भी नहीं माने आंदोलनकारी। गोरखपुर का जिला प्रशासन रहा मुस्तैद, कईयों का किया चालान, मुचलका भरवा कर फिर किया रिहा। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का धरना 12वें दिन भी रहा जारी, 9 अप्रैल से 72 घंटों के लिए लगातार हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 45 संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा प्रचार वाहन और 5 स्कूल चलो अभियान प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 3 अप्रैल को गोला में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक का कीजिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।